भाई साहब पकौड़े तो बहुत ही बढ़िया है। ये गोभी का है, गोभी का मैं एक ऑलरेडी खा चुका हूँ, मैं पनीर का ढूंढ रहा हूँ। ये रहा, ये है पनीर का पकौड़ा और ये मेरा फेवरेट है। जब हम बचपन में दिल्ली रहते थे, काफ़ी लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं बचपन में दिल्ली रहता था और रोहतक में मेरी नानी रहती है, तो दिल्ली टू रोहतक हम बाय रोड करते थे और रस्ते में रुक के पकौड़े ज़रूर खाते थे। और वही पापा ने बोला है कि यहाँ से जाएगा तो पकौड़े ज़रूर खाना। हाँ हाँ, एक नंबर। सुबह बाइक को रखे कोल्ड स्टार्ट पे, सुबह 7 बजे निकलना था, फिर सोचा चल 1 बजे निकलेंगे क्योंकि लेट हो गए थे। 5 बजे तक जाग के चेस खेल रहा था। अभी टाइम हो रहा है 1:22, तो वैसे देखा जाए तो 6 घंटे 22 मिनट लेट, बट अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो सिर्फ 22 मिनट लेट। तो अभी निकल रहे हैं, सोनी को बाइक बोलना है, सामान उठाना है, और हाँ रास्ते में नाश्ता भी करना है। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, आधे से भी कम रास्ता हुआ है बट ट्रैफिक मजबूत है। बॉर्डर क्रॉस की और दिल्ली छोड़े काफ़ी देर हो चुकी है। एक्चुअली रुक के बात करनी पड़ रही क्योंकि यहाँ पे सेटअप वाला कुछ है नहीं, इसलिए रुक के बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली से रोहतक कुछ 70 किलोमीटर की जर्नी है, आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, आधी जर्नी बाकी है। यहाँ से मैं वो रोड से आया था और यहाँ तक पीछे तक मेट्रो है। अब मेट्रो यहाँ से आगे बहादुरगढ़ तक जा रही है, लेकिन बहादुरगढ़ नहीं जाना है हमें, हमें लेफ्ट लेकर रोहतक जाना है। ये रोड जो है, ये रोड सीधी जाती है रोहतक। अब ऑफिशियली साथ साथ मेट्रो नहीं चलेगी, अब सिर्फ बाइक चलेगी और सिर्फ हाईवे रहेगा। अभी तो कुछ खाया नहीं है सुबह से, वक्त हो रहा है 3:24, भूख भी बहुत लगी है और खाने के लिए ना बहुत कशमकश चल रही है। मुझे देसी जगह खाना, मतलब ढाबे पे खाना है मुझे, ढाबे पे। अब ढाबे का ये रिक्वायरमेंट है कि वो सेफ़ और हाइजीनिक होना चाहिए, ऐसी कहीं पे नहीं खा सकते क्योंकि नानी भी ओल्ड है और वापस दिल्ली जाऊँगा तो शौनित भी है, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और मैं चाहता हूँ ढाबे पे खाना है, कोई देसी जगह पे खाना है, इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ की ऑथेंटिसिटी दिखाना चाहता हूँ। और डोमिनोज वगैरह तो वहाँ भी खाते रहते, डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स तो वहाँ भी खाते रहते, यहाँ कुछ तो अलग ट्राई करेंगे। जाते पहले कुछ ढूंढते आते हैं। तो अभी भी मैं यहाँ पे रुका था, बाइक के मस्त फोटो ली है और लोकेशन तो क्या हार्ड है ये भाई, जित तेरी सोच खत्म हो गई यार, उस तो भी आगे ही बिचाल रहे। यूएस है हरियाणा भाई, हरियाणा में ऐसे ही होता है, हरियाणा भी ख़त्म हो गई। अभी ट्रैफिक बहुत है तो डर भी लग रहा है थोड़ा, अपन जाते हैं यहाँ से। ये मिरर कांपते हैं, ये वाइब्रेशन की वजह से कुछ दिखता नहीं है, मैंने अभी तक सुना था, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो एक्चुअली मैं वो वाले हाईवे पे था, वो जो लेफ्ट में ये वाला, ये हाईवे पे था, मैंने यू टर्न लिया। क्यों? क्योंकि बीजू के पकौड़े खाने हैं, क्योंकि बीजू नाम ही ब्रांड है, बीजू नाम ही काफ़ी है। तो अब हम उल्टे जा रहे हैं, 5-6 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, नाम ही काफ़ी है। हाँ पालक डाल दो, हाँ गोभी डाल दो, कहाँ रख रहे हो आप? हाँ डाल दो, सोयाबीन चाप, चाप डाल दो, भेज मत डालो, ये आपके 250 ग्राम। पनीर नहीं डाला? पनीर भी डाल दिया, पनीर डाल दिया, डाल दो फिर, ये 250 ग्राम हो गए। ठीक है, कितने के ये? 70 रुपए के। तो ये है भाई बहादुरगढ़ के मशहूर पकोड़े, एक पाइया पकोड़े, एक पाइया। तो इसमें एक पाइया पकोड़े नानी के लिए पार्सल भी ले लिया, एक पाइया खा लिया, एक पाइया ले लिया।
और अभी यार काफ़ी लेट हो गया हम ना। एक्चुअली ये रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का ही था, लेकिन इतना टाइम पास कर करके आए कि 2 घंटे से भी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। अभी 1 घंटे का रास्ता बाकी है, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता 3 घंटे से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। सोचो इतना टाइम पास करने का ये नतीजा होता है। तो अभी सीधा निकलते हैं हाईवे पे, कुछ रास्ते में रोड वोड का कोई अच्छा शॉट लगा तो ले लेंगे, नहीं तो सीधा डेस्टिनेशन। मुझे कुछ ऐसा दिख गया कि मुझे रुकना पड़ा। रोहतक में फाइटर जेट ये है महाराणा ढाबा। Work on my team, no snakes in the grass, and we have been twisting the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past, and we went the hours to barely got rest. So I get the realm and we didn't finesse. So I get the feelings that we might be next. Cause when we go in, we're winning the match. What you gonna say? कितने का है? 100 वाला 60 वाला। ओह मैं मर गई। ठीक है, आप कैसे हो? पहचाना नहीं आप? नहीं। क्या आपके घर के इतने पास से गाय बैल भैंस निकलती है? बाय द वे आकाश की गाड़ी है। और ये है आकाश मलिक।